भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण करने व टीकाकरण से छूटे हुए समस्त लाभार्थियों का 100% टीकाकरण कराने के लिए प्रदेश में दिनांक 7 अगस्त से सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर अमरोहा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने टीकाकरण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि हमारे जनपद अमरोहा में 13,610 बच्चे और 5,232 महिलाओं को टीकाकरण लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी के साथ जनपद अमरोहा में 210 ANM महिलाएं और 1712 आशाएं हैं, जिसमें सभी ANM और आशाएं 7 अगस्त से 12 अगस्त तक सभी बूथों केंद्रों पर टीकाकरण करेंगी। इसी के साथ जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने लोगों से अपील की है कि दिनांक 7 से 12 अगस्त तक के मध्य आयोजित किए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान अपने 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं और समस्त गर्भवती महिलाओं भी अपना टीकाकरण पूर्ण कराएं। इस अवसर पर इंटरव्यू क्लब में निधि माहेश्वरी, मंजू गोयल, राखी, नीता माहेश्वरी, स्वाति सिंह आदि मौजूद रही। मैं अमरोहा इनरवली क्लब की प्रेसिडेंट निधि माहेश्वरी। आज हम यहाँ CMO ऑफिस में सरकारी अस्पताल में मुन्नी देवी अस्पताल में यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे हमने एक रैली निकालने के लिए 11 बीमारियों के टीकेकरण का एक अभियान सरकार की तरफ से चल रहा है, उसके लिए एक रैली निकाली जा रही है। उसकी रैली के हम इनॉग्रेशन के लिए यहाँ आए हुए थे। उसमें हमने एक रिक्शा में एक बाइक चलाकर पूरे शहर में उस रिक्शा को घुमाया गया जाएगा, जिससे सबको टीकाकरण के बारे में जानकारी मिल सके और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीके लगाए जा सकें। वो 11 बीमारियों से लड़ने के टीके हैं जो कि सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री लगाए जा रहे हैं और उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें इनर व्हील क्लब ऑफ अमरोहा और रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स। CM अमरोहा, हमारा 7 अगस्त से 12 के बीच में IMI फर्स्ट प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम 12 बीमारी के खिलाफ टीकाकरण करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उनके खिलाफ हमारे बूथ बना के हमारी ANM, हमारी आशा उन बच्चों को कवर करेंगे जो अभी तक सिस्टम में नहीं आ पाए थे। ऐसे हमारे पास में लगभग अभी जो हमने फर्स्ट में हमने प्लान बनाया है, तो इसमें 13,610 बच्चे हैं हमारे जिनको हमने प्लान बनाया है, जिनको कि हम 12 बीमारियों के खिलाफ, हमारे JEE नहीं है, जापानी इंफ्लाटरी वो ईस्टर्न साइड में होती है, हमारे यहाँ नहीं है, तो JEE के अलावा जो 11 बीमारियाँ बचती हैं उनके खिलाफ हम टीकाकरण करेंगे, 100% उसको कवर करेंगे। हमारे पास जो इस समय प्लान है वो 13,610 बच्चे प्लस 5,232 गर्भवती महिलाएं जिनको कि टीके से टीका लगना है। इतने टीके प्लान करके हमने हमारे 210 हमारे ANM हैं, सारी ANM, 1700 हमारी आशा हैं, 1712 सारी आशा हैं, लिस्ट बना के और बूथ बना के हमने प्लान पूरा किया हुआ है 5 दिन का, इन 13,610 बच्चों को और 5,232 गर्भवती महिलाओं को टीके टीका लगाएंगे। और इनको हम 11 बीमारी से बच्चों को जो बता रहे हैं 13,610 जो बच्चे हैं हमारे, इनको 11 बीमारी, क्योंकि JEE हमारे पास है नहीं, JEE का टीका हमारे नहीं लग रहा है, बाकी 11 बीमारी, इसमें पोलियो है ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी क्योंकि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कोई कोई केस आता रहता है, तो भी पोलियो का जो अभी खतरा बना हुआ है, अभी भी पोलियो है, TB है, TB का उन्मूलन हम 2025 तक चाह रहे हैं, दवा भी चल रही सब जगह, और डिप्थीरिया है, पर्टुसिस जो काली खांसी कभी हुआ करती थी अब लगभग ख़त्म सी हो गई है, लेकिन अभी भी हम उसके प्रिवेंशन के लिए टीका लगा रहे हैं बच्चों को। टिटनेस है, मीजल्स, रूबेला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मतलब जो एक वायरस होता है बच्चों में जो निमोनिया पैदा करता है, निमोकोकल, ये भी निमोनिया का एक वायरस होता है, एक बैक्टीरिया था निमोकोकल, उसके खिलाफ, फिर हेपेटाइटिस बी, और JEE हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है। तो 11 बीमारी हम कवर कर रहे हैं इसमें, और 13,610 बच्चे जो हमने टारगेट बनाया है इनके लिस्ट बना के हम हमारी आशा हमें हमारी ANM को दे रही है, और बूथ पे बुला के उन बच्चों को आशा के जरिए, हमारे आंगनबाड़ी के जरिए, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए, जो हमारी NGO उनके जरिए हम 13,610 बच्चों को और प्लस 5,232 जो हमारी गर्भवती महिला हैं टिटनेस के लिए, इनको हम कवर करेंगे 7 से लेकर 12 तारीख के बीच।